दोस्तों आज हम लोग वीडियो बनाने वाला है ग्रेडर का रिपर को लेकर। ये देखिए आज हमारा वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ रिपर का होएगा। आप मेरा रिपर को देखिएगा, यहाँ पे आपको एक निशान दिख रहा होगा, देखिए ये निशान, यहाँ पे आते आते ये रिपर ख़त्म। अभी मेरा है 50% से भी ज़्यादा है। अभी ये निशान जैसे ख़त्म होगा ये रिपर चेंज करना पड़ेगा, ये टीथ को चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा ग्रेडर में अभी रिपर का तो कमती नहीं है, लेकिन ये जो पुराना वाला रोड है ना, हम लोग एस्फाल्ट निकाल दिया और थोड़ा क्लीनिंग करके रखा है। मैं इसमें सुबह रिपर मार रहा था तो मुझे लगा आज इसमें ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। फिर बाद में मैं बीच में कहीं दूसरा जगह चला गया था, आगे जो फाउंडेशन चल रहा था उसमें क्लीनिंग के लिए गया था, उधर हो गया, फिर मैं वापस इधर ही आया। मैं सुबह देखिए एक ही लाइन में 5 बार मारा, वो भी किधर, स्लोप में। स्लोप में तो वैसे लूज रहता है माटी, तब भी इसमें 5 बार मैं रिपर मारा तब जाके इतना से थोड़ा अंदर गया। लेकिन इसमें एक छोटा सा टेक्निक का प्रॉब्लम है, वो टेक्निक यूज़ करके हम लोग आज इसको रिपर करेंगे। वैसे देखो हमारा एक्सपर्ट है ना, दूसरा जगह लोडिंग पे एंगेज है तो वो आ नहीं सकता है, अब हमारा ग्रेडर को खड़ा नहीं कर सकता है, इसको भी तो काम देना पड़ेगा ना। तो हमने सोचा आज वीडियो बनाएंगे, हमारा दोस्त लोगों को भी बताएंगे कैसे इसमें हमें रिपर मारेंगे। मैं पहले तो आप लोगों को इसके ऊपर जो पुराना वाला रोड है डायरेक्ट इसमें रिपर मारूंगा, आप देखिएगा थोड़ा भी नहीं घुसता, खाली लाइन भी नहीं आएगा, इतना हार्ड है। अगर ज़्यादा दबाऊंगा तो इंजन उड़ जाता है, टायर फ्री हो जाता है। तो आप लोगों को मैं टेक्निक बताऊँगा आज, देखिएगा। अभी हमारा कैमरा मैन आया नहीं है, थोड़ा दूर में है, वो आने के बाद उसको भी फिर कैमरा दे दूँगा। अभी मैं ऑलरेडी थोड़ा मार चुका हूँ, इसमें बाद में मारूंगा, पहले इसमें रिपर मारूंगा, ठीक है। आप लोग देखिए कंटिन्यू, एक बार और देख लीजिए, ये भी है अभी 50% से ज़्यादा है। ये देखिए ये भी वैसे ही है, इसका भी है, ए साइड में, ए साइड में नहीं है, ए साइड में, ए साइड में, इसका ए साइड में है, इसका ए साइड में है, इसका ए साइड में है, और ये वाला ए साइड में। तो अभी रिपर के लिए तो हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं है, अभी रिपर नया है, घुसना चाहिए। में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो हम लोग स्लोप में लूज करके रखा है मट्टी, उसी में एक एक टीथ आगे बढ़ाइए, बस एक ही लाइन में, बस जो पुराना वाला है उसमें से एक फीट इधर, एक ही रिपर लगाने का, एक एक करके हम लोग इसको लूज करके जाएंगे।
तभी जाके ये लूज़ होगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। इतना हार्ड है ये, क्योंकि ये 10-12 साल पुराना रोड है, तो आपका रिपर इतना जल्दी नहीं घुसेगा। आप नया भी डालेगा ना तो नहीं घुसेगा। नीचे स्लोप से इसको लूज़ करने का है, एक एक फीट आगे बढ़ने का है बस। तो जैसे मैं मार रहा हूँ, बाद में फिर एक फीट ही इधर लेफ्ट में लेने का है। इससे ज़्यादा लेंगे तो रिपर घुसेगा नहीं। ऐसा करके इसको पूरा करना पड़ेगा। ये तभी कीजिए आपके पास कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, डोजर अवेलेबल नहीं है, तो तभी कीजिए, नहीं तो वरना करिए मत, क्योंकि आपका ग्राइंडर ब्रेकडाउन हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेरा ग्रेडर में 7 रिपर है, 6 रिपर जो लूज़ किया हुआ है ऑलरेडी उसमें चल रहा है, और एक रिपर जो है पुराना वाला रोड पे चल रहा है। अब मैं उधर से घूम के भी आऊँगा तो इसी लाइन में आऊँगा, फिर जब इधर से घूम के जाऊँगा तब जाके मैं फिर एक फिट लेफ्ट को लूँगा, बाकी 6 मेरा पुराना वाला लूज़ में ही रहेगा। वैसे करके इसको लूज़ करने के, ठीक है? आप लोग समझ गए मेरे बात को?
दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये स्टील का उधर हमारा अभी रिपर नहीं है, देखिए वहाँ पे बोर्ड है, कंक्रीट है, उस बोर्ड काटा दिया, अभी कंक्रीट को भी निकालना पड़ेगा, तो उधर रिपर नहीं मार सकते, तो एक ही साइड रिपर मारना पड़ेगा। तो हमने एक साइड रिपर मारा, पूरा भी नहीं मारा दोस्तों, नहीं मारूँगा क्योंकि बहुत हार्ड है पुराना रोड, ये 10-12 साल पुराना रोड है, तो इसमें रिपर मार तो सकते हैं और ऑपरेटर भी नाम कमा सकता है, लेकिन जो दूसरा ऑपरेटर आएगा वो फंसेगा, तो इससे अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा फोरमैन को एक्सीवेटर लगाने के लिए, लेकिन ये आप वीडियो बनाया इसलिए कि देखिए, कभी बाई चांस अगर आपके अलावा कोई चारा नहीं, आपको मारना ही पड़ेगा, तो फिर आपको ये तरीका निभाना पड़ेगा ना, इसलिए तो मैं थोड़ा वीडियो बनाया था। ये देखिए रिजल्ट देखिए इसे, लेकिन इस ऐसे करने के लिए सबसे पहले आपके पास चार चीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहला आपका मशीन की वेट, जैसे मेरा ग्रेडर का जो वेट है 19 टन के ऊपर है, तो एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा आपका टायर का जो बटन है वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपका बटन नहीं है, अगर टायर में कहीं कट लगा है तो आपका टायर नुकसान हो जाएगा। और तीसरा आपका रेडिएटर कहीं अगर जंग पकड़ा होगा तो आपका रेडिएटर डिस्टर्बेंस होएगा, फिर रेडिएटर भी लीक होएगा। अब लास्ट टर्न पर फोर्थ, ये सबसे ज़रूरी है, एसी, आपका एसी भी उड़ सकता है, तो इससे अच्छा आप रिपर मार सकता है तो ही मारिए। ठीक है, अगर अवेलेबल है आपके पास एक्सीवेटर या फिर कोई डोजर तो मुश्किल नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आपको करना ही है। तो जैसे अभी मेरे को आज दोपहर के बाद थोड़ा एक्सीवेटर फिर नहीं था, मेरे को फोरमैन ने बोला थोड़ा करके दो, तो मैंने बहुत कोशिश किया, करने के बाद रिजल्ट भी तो आपके सामने है, लेकिन नहीं करूँगा, ये बहुत हार्ड है, मेरा ग्रेडर भी नुकसान हो सकता है, तो मैं ये नहीं करूँगा, फोरमैन को भी बोल दूँगा एक्सपर्ट लगाने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा जानकारी देने के लिए बनाया था, तो आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।